लोक निर्माण विभाग स्वर्गार के विश्राम गृह में नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रंजीत सिंह ठाकुर ने की। प्रदेश के पूर्व मंत्री व नैना देवी विधानसभा के मौजूदा विधायक रामलाल ठाकुर व प्रदेश सचिव विकास ठाकुर भी विशेष रूप से बैठक में मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग स्वारघाट के विश्राम गृह में नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर ने की। प्रदेश के पूर्व मंत्री व नैना देवी विधानसभा के मौजूदा विधायक रामलाल ठाकुर व प्रदेश सचिव विकास ठाकुर भी इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरुण शर्मा, जो कि प्रदेश कांग्रेस के सचिव पद पर तैनात हैं, उन्हें आज स्वारघाट में हुई नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के लिए बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक अरुण शर्मा ने भी आज बैठक में हिस्सा लिया। पर्यवेक्षक अरुण शर्मा के साथ प्रदेश सचिव संजय भंडारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री व नैना देवी के विधायक रामनाथ ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को कार्य करना होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी में फिर से नए युग का सूत्रपात होगा। ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने छल और कपट की राजनीति के सहारे सत्ता पाई है, जो ज्यादा दिन तक नहीं चलनी है। देश के विकास के लिए कांग्रेस की कुर्बानी को देश कभी भी नहीं भुला सकता है। जो कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी ने सभी जिलों में ऐसे 68 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो कि पार्टी में आने वाले टाइम में, जो कि पार्टी में हमारे कैसे हम ग्रास रूट से लेकर अपनी पार्टी को दोबारा से उस बुलंदी तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारी पार्टी में जैसे भी चल रहा है उसको ब्लॉक लेवल में हमारी क्या खामियाँ रही हैं, उसको प्रदेश स्तर पे जाकर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारे जो वर्कर की आवाज है, क्योंकि अब ये सोचा गया है कि पहले जो फैसले हम ऊपर से लेते थे, अगर लोग अपने बीच में इसको फैसला लेकर भेजें और उसी फैसले को अमल में लाया जाए, तो शायद हमारी पार्टी दोबारा रिवाइव होगी और उसी से हम लोगों में भरोसा दिल पाएंगे।